इसके नीचे जाया जाता है बेसमेंट में, जहाँ तीन कब्रें हैं और अंधेरा भी है अंदर काफ़ी। ये आप देखेंगे काफ़ी अंधेरा है अंदर। हर जगह आपको ये दिया रोशन धरा हुआ दिखेगा, बहुत ही अंधेरा है और लोग अगरबत्ती जला रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से काफ़ी धुआं हो रहा है, तो काफ़ी मान्यता है इस जगह की। ये आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग, वो लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह से चढ़ावा चढ़ाते हैं, और मुस्लिम भी आते हैं, तो दोनों रिलीजन के लोग यहाँ पर आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। चारों साइड में आपको बुर्ज दिखेगा, ये देख सकते हैं जिस तरह से एक किला में बुर्ज होता है, तो इसको एक किले जैसा एक शक्ल दिया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन उसी तरह से है। हिंदू रिलीजन के लोगों का ऐसा कहना है कि ये करीब 1300 साल पुराना ये यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं रजा खान आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का सबसे पहला मकबरा, जो कि सुल्तानगढ़ी के नाम से काफ़ी फेमस है। और ये मकबरा एक शहजादे का है जो कि ममलुक डायनेस्टी से थे। करीब 800 साल पुराना ये मकबरा है। तो अभी चलते हैं और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से है ये, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं इस मकबरे की तरफ और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से ये। तो ये रास्ता है जो मकबरे की तरफ जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ दोनों साइड में आपको जंगल दिखेगा, ये घने जंगलों से होता हुआ ये बीच से रास्ता है जो मकबरे की तरफ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से व्यू है इसका। और तो फ्रेंड्स अब हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं इसके, यहाँ पर से ये कैंपस स्टार्ट होता है इस मकबरे का। ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू किस तरह से, और यहाँ आप देखेंगे ये सामने है ये मकबरे का एंट्रेंस गेट, और ये बाहर का व्यू। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं हर दिन, और स्पेशली संडे को, आज संडे है तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का आज भीड़ है यहाँ पर, टूरिस्ट लोगों का। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर रिलीजन के लोग आते हैं, हिंदू भी काफ़ी मानते हैं इस जगह को और मुस्लिम भी आते हैं। और यहाँ पर आप देखिए चढ़ाने के लिए चादर और फूल है यहाँ पर, और ये गुड़ और बताशे ये सारा कुछ यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं यहाँ पर, दोनों रिलीजन के लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस जगह का। देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है बाहर से, ये आप देखेंगे ये मेन एंट्रेंस गेट है, और यहाँ पर बुर्ज है, और उसी तरह से इधर भी बुर्ज है इसके दोनों साइड में। और यहाँ पर देखेंगे ये कुरान शरीफ की आयतें इसके एंट्रेंस गेट पे लिखा हुआ है, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये आप देखेंगे ये यहाँ पर इसके एंट्रेंस गेट पर इसके तीनों साइड में आपको कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई दिखेंगी, आप देख सकते हैं ये कुरान शरीफ की आयतें हैं। ये पूरा सफ़ेद मार्बल है लगा हुआ, और ये पूरा मकबरा रेड सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बुर्ज है, इसके चारों साइड में आपको बुर्ज दिखेगा, ये देख सकते हैं जिस तरह से एक किला में बुर्ज होता है, तो इसको एक किले का जैसा एक किले जैसा एक शक्ल दिया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन उसी तरह से है। और यहाँ पर देखेंगे आप ये मेहराब डिज़ाइन ये बनाया गया है वॉल्स में, कई मेहराबें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बैक साइड का व्यू, यहाँ पर बैक साइड में भी आपको ये बुर्ज दिखेगा।
इधर भी पहले कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई होंगी, सब अब टूट चुका है काफ़ी सालों पहले, और ये अब ऑलमोस्ट खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये आप देखेंगे, ये इसके बैक साइड का बुर्ज और ये इसके बैक साइड का व्यू किस तरह का है। ये आपको देखने में एक किले जैसा दिखेगा ये मकबरा। ये इसके बैक साइड का व्यू और ये इसका ये बैक साइड का दूसरा बुर्ज। तो इसके फ्रंट साइड में भी दो बुर्ज आपको दिखेंगे और बैक साइड में भी आपको दो बुर्ज दिखेंगे। तो इसमें टोटल चार बुर्ज हैं इसके चारों कोने पर इस मकबरे के। ये सुल्तानगढ़ी मकबरा, तो बहुत ही इसका यूनिक कंस्ट्रक्शन इस मकबरे का, जो देखने में आपको एक किले जैसा लगेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बड़ा गुंबद है, एक बड़ा छतरी जिसके ऊपर बहुत ही बड़ा गुंबद है। ये भी किसी का उस वक्त में किसी का एक कब्र हुआ करता होगा इसके अंदर। पर ये सारा जो भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, जो भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये काफ़ी पुरानी है। हिंदू रिलीजन के लोगों का ऐसा कहना है कि ये करीब 1300 साल पुराना ये यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। गुर्जारा पर प्रतिहार एक डायनेस्टी हुआ करता था करीब 1300 साल पहले, तो उसी डायनेस्टी के वक्त में यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश की हुकूमत हुई ममलुक डायनेस्टी के वक्त में, तो फिर उन्होंने यहाँ पर ये मकबरा बनवाया था। तो अभी चलते हैं अंदर और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं, ये सीढ़ी और ये इसका अंदर वाला एंट्रेंस गेट। यहाँ देखेंगे आप, ये कुरान शरीफ की आयतें इस पर लिखी हुई हैं तीनों साइड में। ये कुरान शरीफ की आयतें, और यहाँ पर हर रिलीजन के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआ मांगते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, ये आप देखिए। और ये अंदर आते ही कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे ये सामने ये ऑक्टेगनल शेप का ये यहाँ पर आपको ये चबूतरा सा दिखेगा, ये पूरा सर्कल शेप में है। और यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का भीड़, आज संडे है तो लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं यहाँ पर, हर रिलीजन के लोग आते हैं और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये आप देखेंगे लोग चढ़ावा लेकर आ रहे हैं और इसको प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं और खाते हैं लोग। ये आप देख सकते हैं व्यू, ये गैलरी है इधर, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ये पूरा वाइट मार्बल से इसे बनाया गया है और यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो काफ़ी मान्यता है इस जगह का, इस मुबारक जगह का, लोगों की यहाँ पर जो भी दुआएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। ये पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर लिखी हुई दिखेंगे। ये पूरा वाइट मार्बल पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये बहुत ही खूबसूरती से ये कैलीग्राफी करी गई थी उस वक्त में, ये करीब 800 साल पुराना है ये। ये आप देख सकते हैं ये किबला रुख, ये किबला रुख, ये मेहराब बनाया गया है जहाँ पर शायद ये नमाज़ पढ़ाने के लिए होगा, यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते होंगे। तो अक्सर पहले के वक्त में जो भी मकबरा होता था वहाँ पे इस तरह से ये
मेहराब बनाया जाता था किबला रुख नमाज पढ़ाने के लिए। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग वो लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह से चढ़ावा चढ़ाते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, तो दोनों रिलीजन के लोग यहाँ पर आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और इस जगह का काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है दोनों रिलीजन में। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग अपनी दुआएं मांगते हैं, जो भी मन्नतें उनकी होती है वो पूरी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं उसका व्यू, और आप देखेंगे काफ़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पर। ये बीचों बीच आपको ये चबूतरा सा दिखेगा, ये ऑक्टैगनल शेप में, और इसके नीचे जाया जाता है बेसमेंट में, जहाँ तीन कब्रें हैं। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के तीन बेटा हैं, जिनमें से एक थे नसरुद्दीन महमूद, जो कि सबसे बड़े बेटा थे, जिनका डेथ 1231 में हुआ था, करीब 800 साल पहले। तभी शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो ममलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के जो तीसरे सुल्तान थे, उन्होंने बनवाया था इस मकबरे को। तो अभी नीचे चलने की कोशिश करते हैं और चलकर दिखाते हैं आपको किस तरह से ये। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है आज, और अंधेरा भी है अंदर काफ़ी। नीचे ये आप देखेंगे काफ़ी अंधेरा है अंदर, हर जगह आपको ये दिया रोशन करा हुआ दिखेगा, बहुत ही अंधेरा है। और लोग अगरबत्ती जला रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से काफ़ी धुआं हो रहा। तो काफ़ी मान्यता है इस जगह की, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कोशिश कर रहा हूँ जाने का, जो दे सकते हैं दिया रोशन अपने कैंडल्स। ये आप देख सकते हैं कई दिए यहाँ पे जलाए गए, बहुत ज़्यादा मान्यता है इस जगह की। बहुत धुआं है अंदर, इसलिए क्लियर व्यू आएगा नहीं, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो ये हम देख सकते हैं ये नसरुद्दीन महमूद जो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटा, ये उनका मज़ार है यहाँ पर, उनका कब्र है। तो अब चलते हैं बाहर, काफी सफोकेशन हो रहा है, चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स अब बाहर आ चुके हैं हम लोग, और काफ़ी अंदर सफोकेशन था, अंधेरा था, इस वजह से क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा। अंदर कई दिए लोग जला रहे थे, कैंडल्स जला रहे थे और अगरबत्ती, जिसकी वजह से काफ़ी अंदर धुआं हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था, तो ज़्यादा देर रुकना सही नहीं था अंदर, तो मैं वापस आ गया बाहर। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मकबरा है यहाँ पर, इस मकबरे को ममलुक डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान रहे या स्लेव डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान रहे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था 1231 में, जब उनके बड़े बेटा नसीरुद्दीन महमूद का डेथ हुआ था, वो एक लड़ाई में मारे गए थे, तभी उनका उन्होंने यहाँ पर ये मकबरा बनवाया था। फिर बाद में उनके दो बेटा और शहीद हो गए, उनका जब डेथ हुआ तो उनको भी यहाँ
दफन करा गया तो उनके उनका भी यहाँ कब्र है इसके अंदर। अभी आपने देखा होगा अंदर में तीन कब्र है, तो वो तीनों ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटों का है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो उनके बड़े बेटा जिनका नाम नसीरुद्दीन महमूद है, तो उनका ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दिया जाता है और ज़्यादातर लोग उनके ही कब्र पे चादर चढ़ाने के लिए आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश चाहते थे बिहार और बंगाल पे भी उनकी हुकूमत हो। जब वो दिल्ली के सुल्तान थे तो वो यहाँ से चाहते थे कि दिल्ली में रहते हुए ही वो बंगाल और बिहार पे भी उनकी हुकूमत हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटा नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा और वहाँ के जो रूलर थे उस वक्त में, तो उस वक्त में वहाँ पर हुकूमत थी इवास खिलजी नाम के एक सुल्तान थे जिनका वहाँ पर हुकूमत था बंगाल और बिहार में। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने बेटे को भेजा था वहाँ पर कि उनसे जाकर वहाँ पर वो जंग लड़ें और वहाँ पर जीत हासिल करें। नसीरुद्दीन महमूद वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने जंग लड़ी इवास खिलजी से और वो जंग जीती उन्होंने और वो वहाँ का बंगाल का जो लखनौती इलाका है जो शहर था उस वक्त में, तो वहाँ वो अपने कब्ज़े में ले लिया उन्होंने और उसको कब्ज़े में ले लिया और वहाँ पर उनकी हुकूमत स्टार्ट हो गई। पर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, उनके 18 महीने के अंदर ही वहाँ पर वो मारे गए। वो कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, इसका इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर वो वहाँ पर मारे गए थे 18 महीने के अंदर ही, जब उन्होंने इवैस खिलजी को हरा कर उसे मार कर लखनौती शहर पर अपनी हुकूमत कायम करी थी। तो जब उनका डेथ हुआ तब शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उनकी याद में ये मकबरा बनवाया और उनका कब्र यहाँ बना। तो ये हिस्ट्री है इस जगह की, तो ये आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और अभी मैंने आपको दिखाया ये सुल्तानगढ़ी मकबरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये देखकर और इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई व्लॉग में नई जगह, तब तक अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।